नमस्कार, आप देख रहे हैं आर घट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के नौजल घाट स्थित ऐतिहासिक श्री आदि चित्रगुप्त मंदिर में भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और चित्रगुप्त मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष आर के सिन्हा के नेतृत्व में पंगत संगत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंगत संगत कार्यक्रम में समाज की विभिन्न समस्याओं पर जहां गंभीर चर्चा की गई, वहीं उनके निराकरण को लेकर भी गंभीर मंत्रणा की गई। ऐसे मौके पर भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ने मंदिर परिसर में हर महीने पंगत संगत कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात दोहराते हुए इसे भविष्य हर सप्ताह आयोजित किए जाने की भी बात कही। सूचक में जो भोजन वर्जित होता है तो ये हम लोग हर महीने बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, विमर्श करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को जानते हैं, भोजन करते हैं साथ। सही बैठक का क्या निर्णय दिया गया? अभी हम लोग तो संगत पंगत महीने में एक कर रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हर एक सप्ताह एक हम ऐसा बैठक करें, एक म्यूजिक के लिए करें, एक हो सकता है हम चिकित्सा के लिए करें, कोई भजन संध्या करें, लेकिन प्रत्येक महीने हम लोग करें। क्योंकि तो हमको हॉल भी तैयार हो गया है तो 200-300 लोगों को बैठने में कोई दिक्कत है। मूर्ति 75 के करीब मूर्तियाँ बैठ रही हैं और हम लोग 16 तारीख को सामूहिक विसर्जन यहीं सामने तालाब में करेंगे। तालाब की सफाई का काम शुरू होने वाला है और उसके बाद गंगा जल उसमें भरा जाएगा, उसी में मूर्तियों को हम डालेंगे और 15 दिन तक छोड़ने के बाद फिर उसमें मूर्तियों का जो ढांचा है वो सब निकालेंगे, उसका जो बांसबंदी है वो अलग करेंगे और जो मिट्टी है वो हम तालाब में ही रहने देंगे और फिर उसको तालाब को सुखा के उसकी सफाई करेंगे। प्रतिवर्ष यही करते हैं, इस बार भी करेंगे।